देख रहे हैं स्काई चैनल में हूं गोपाल झा। शादी कह लीजिए, विवाह कह लीजिए या निकाह, जब इस तरह का जिक्र होता है तो मन में कई तरह के मतलब एक जो पृष्ठभूमि उभरती है वो होती जश्न का माहौल जैसा होता है कि शहनाइयां बज रही है, शादी हो रही है, बारात मतलब इस तरह के बड़े उत्सव का माहौल होता है। दरअसल शादी जिसको कहते हैं, विवाह कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जो एक नए परिवार को जन्म देता है विवाह। लेकिन दंपति में अगर वैचारिक रूप से मतभेद हो जाए तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है समाज में कि आप उसको बड़े तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको अलग अलग कर दीजिए ताकि परिवार में शांति व्यवस्था सुचारू रहे। लेकिन इसके लिए अलग अलग धर्म में भी लगभग लगभग एक जैसी बातें हैं कि विवाह का जो तरीका है वो भी थोड़ा बहुत रस्म रिवाज में अंतर हो सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से सब कुछ एक जैसा ही है, चाहे वो हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, सिख ईसाई जो भी है, क्योंकि इंसान तो इंसान होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस्लाम में जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अभी सुप्रीम कोर्ट भी रोजाना सुनवाई कर रहा है और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रिपल तलाक का मामला इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है, विवाद की श्रेणी में क्यों आ गया है। आखिर इन्हीं मुद्दे पर सुलगते सवाल में आज हम बात करेंगे कि आखिर ट्रिपल तलाक की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी विसंगतियां क्या है और क्या केंद्र सरकार आखिर क्या चाहती है। इस तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ हैं युवा अधिवक्ता जाकिर हुसैन, जो इस तमाम बिंदुओं पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मुश्ताक जोया भी हमारे साथ हैं, इस ट्रिपल तलाक के मामले पे हमसे चर्चा करेंगे। और शरीयत की बात रखने के लिए हमारे साथ हैं जामिया कादरिया मानकसर से मुफ्ती अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। तो शरीयत में किस तरह व्याख्या की गई है ट्रिपल तलाक को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जाकिर हुसैन साहब, हम आपसे इस बहस की शुरुआत करना चाहेंगे कि जो तीन तलाक का मुद्दा जो सुर्खियों में है, आखिर हंगामा क्यों है बरपा? जहां तक ट्रिपल तलाक के मसले को आज की वर्तमान परिस्थितियों में उछाला गया है, वो कुछ मुस्लिम महिलाएं जो अपने आप को पीड़ित समझती थी या अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता समझती थी, वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। उस याचिका पे कहा कि ट्रिपल तलाक एक तरफा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई, विभिन्न याचिकाओं को एक साथ कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग स्टार्ट की। उससे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा इसमें अग्रेसिव रोल, आक्रामकता दिखाई गई कि महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इस्लाम की जो अनुयायी हैं, मुस्लिम समाज की अनुयायी हैं, उसको उससे बल मिला उस आक्रामकता को। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए जिस बेंच ने छुट्टियों का सदुपयोग किया है, उसमें जो क्वेरीज हो रही है उसको केंद्र सरकार ने आदेश के रूप में मान लिया। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के अंदर जजेस द्वारा हमेशा वकील पक्ष, उभय पक्ष, दोनों पक्षों से हमेशा क्वेरी करता है कि क्या ऐसा हो सकता है। उसको आदेश के रूप में लेके केंद्र सरकार द्वारा उस पर तलाक को एक अपने आप पर मैंडेटरी मान लिया, अनिवार्यता मान ली। कि क्यों विमर्श का विषय है कि क्या ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, ये आज की सरकार का मोटो राय है कि किसी प्रकार से इस्लाम के अंदर जो पीड़ित पक्ष है उसको आगे लाया जाए, उसके समाधान की व्यवस्था कर सकते थे। तो सत्सर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किए हैं, उस रिकमेंडेशन को सरकार के फॉर्मेशन के वक्त से लेते कि इस समाज में कौन कौन पीड़ित है, क्या केवल महिलाएं पीड़ित है इस समाज में महिला और पुरुष दोनों पीड़ित है, लेकिन उस विषय को न लेते हुए केवल ट्रिपल तलाक पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। मैं इसको राजनीतिक रूप से प्रश्न मानता हूं, न कि सामाजिक रूप से। अगर सामाजिक उत्थान की बात होती तो शायद मुझे लगता है कि मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता। मुश्ताक जी भी हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है? मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा जाकिर साहब की बात को ही। देखिए, कोर्ट का काम होता है कानून की व्याख्या करना, कानून बनाना विधायिका का काम है। और हमारी विधायिका ने जब संविधान लागू किया तो ये तय किया गया कि विभिन्न धर्मों के लोग, क्योंकि हमारा देश विभिन्न धर्मों विभिन्न संस्कृतियों का संगम है और इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया और उसी के तहत ये रखा गया कि इसमें प्रत्येक धर्म के मानने वाला अपने धर्म के अनुसार आचरण को स्वतंत्र होगा। और उस मामले में उत्तराधिकार विवाह शामिल है। अब जिस तलाक को लेकर हम रात दिन उद्वेलित रहते हैं, उसकी वास्तविकता
जैसी आज दिखाई जा रही है, जैसी भयावह स्थिति चित्रित की जा रही है, वैसा नहीं। आमतौर पर कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मेरा मानना है कि अब साहित्य की जगह मीडिया ने ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। तलाक की अवधारणा सर्वप्रथम मुस्लिम धर्म में ही दी गई। इससे पहले किसी भी धर्म में विवाह विच्छेद की कोई परंपरा नहीं थी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कई धर्मों में, बाकी धर्मों में विवाह को एक दैवीय बंधन माना जाता है। इस्लाम में दैवीय बंधन नहीं है, जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं है। इस्लाम इस विवाह को एक संविदा मानता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मानता है जो दो पक्षों के बीच होता है। जिस तरह किसी भी संविदा में, जिस किसी भी समझौते में दो पक्ष होंगे, कोई प्रतिफल होगा, कोई सेवा होगी, कुछ शर्तें होंगी और काम करने का एक तरीका होगा, बिल्कुल वैसी ही इस इस्लामिक विवाह में। इस्लाम धर्म में यूं तो कई फिरके हैं, कई मसलक हैं, कई अलग अलग गिरोह ग्रुप, शिया सुन्नी, लेकिन एक बात पर सभी तय हैं कि विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति और मेहर की अदायगी जरूरी है। अब चूंकि इस्लाम में विवाह को एक संविदा माना गया है, तो इस संविदा में, इस्लाम में ही पहली बार यह शर्त दी गई कि किसी भी महिला, किसी बालिका की अवयस्क उम्र में शादी नहीं की जा सकती। अगर उसकी शादी 15 वर्ष से कम उम्र में की गई है और वो 15 वर्ष की उम्र पर आती है, तो शादी को समाप्त करने का ऑप्शन उसके पास है। दूसरी बात, निकाह में एक बैठक, एक ही बैठक में प्रस्ताव, सहमति और शर्तें होना जरूरी है। अब उस निकाह को अगर लिखित किया जाए, लिखा जाए, तो उसमें लड़की अपनी तरफ से कोई भी शर्त जोड़ने को स्वतंत्र है। जैसे मैं तलाक लूंगी, मेरी मेहर की राशि उस परिवार की हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। मेहर दो तरह की होगी, एक तो तुरंत दे, जब तक आप दाम्पत्य संबंधों को स्थापित करें उससे पूर्व उसकी अदायगी जरूरी है, और दूसरी मेहर जब आप तलाक दें या कोई और घटना आप तय कर लें किसी भी तरह की, कि उस घटना के घटित होने पर उसका दूसरा हिस्सा जो है वो अदा किया जाएगा, वो तलाक भी हो सकती है। इसके अलावा निकाह नामे में ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है, खर्चाए पानदान नाम से एक व्यवस्था की जा सकती है कि आप मासिक इतना खर्च लेंगी गुजारा भत्ता के रूप में। एक चीज और, अब समय के साथ हर मामले में विकृतियां आती हैं। शरीयत में मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमने जब ला पढ़ा तो हमारे प्रोफेसर एक हिंदू ब्राह्मण थे, और ये जो मैं आपके सामने जो व्याख्या कर रहा हूं, ये व्याख्या उन्हीं की हुई है, मैं आज भी मानता हूं। तो तलाक आज जिस रूप में चित्रित किया जा रहा है, ये विसंगति उसके परिवर्तन की है कि उसको सही रूप में अगर लागू कर दिया जाए और महिला को उसके अधिकारों की बाबत बता दिया जाए, निकाह में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं, तो इसे आराम से बचा जा सकता है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब पति पत्नी में किसी तरह के मतभेद हों और एक साथ रहना संभव ना हो पाए, तो सभी धर्मों में अब कोडिफाइड कर दिया गया है, तलाक की व्यवस्था कर दी गई। हिंदू धर्म तलाक की व्यवस्था को नहीं जानता, क्रिश्चियन धर्म तलाक की व्यवस्था को नहीं जानता, लेकिन उनको कोडिफाइड करके तलाक की व्यवस्था की गई है कि अगर दोनों सहमत नहीं है, साथ नहीं रह पाते, उनको तलाक कर दिया जाए। और हिंदू कानून में 13B एक सेक्शन है जिसमें पहले था सब 6 महीने का कम से कम पुनर्विचार के लिए समय होना चाहिए, या विवाह को 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जानी चाहिए, उसके पहले नहीं पकड़ सकते। अब न्यायालय ने वो सीमाएं समाप्त कर दी। इसी तरह से हमारे यहां तलाक की जो व्यवस्था है,
ट्रिपल तलाक, मुद्दा ट्रिपल तलाक का है, तो ट्रिपल तलाक को मुसलमानों के सभी संप्रदाय नहीं मानते। मेनली ट्रिपल तलाक जो है सुन्नी संप्रदाय की समस्या है, और सुन्नियों में भी फिर आगे कई और भेद विभेद हैं। अगर मेरा मानना यह है कि अगर तलाक की व्यवस्था को शरीयत के मुताबिक लागू किया जाए तो ट्रिपल तलाक की समस्या कहीं देखने में नहीं मिलेगी। महिलाओं व्यवस्था दरअसल लागू करने की हम बात करेंगे, क्योंकि सैयद साहब ये मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं और कुछ शरीयत के हिसाब से जो तलाक की जो तलाक है क्या वो हम आगे, क्योंकि इन्होंने कानूनी पक्ष रखा है दोनों अधिवक्ताओं ने, लेकिन शरीयत की बात है की बात आप बताएंगे, आखिर तलाक है क्या शरीयत के मुताबिक? ट्रिपल तलाक की बात हम कर रहे हैं सर। मैं स्काई न्यूज़ का मशहूर हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात शरीयत के मुताबिक आपके सामने और सुनने वालों के सामने भी रख सकें। मैं कहना ये चाहूँगा, मेरे सीनियर दो हमारी कौम के अजीम अशखास ने अपने तौर पर कानूनी चीज़ों को रखा, शरी एतबार से तलाक लफ्ज अरबी का है, इसके माना है खोल देना, और फिर आगे जाकर इस्तिलाह में इसे इस्तेमाल किया गया कि एक मर्द और एक औरत दो गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे को जब कबूल कर लेते हैं और उसके बाद बाई चांस वो दोनों साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते, तो फिर उनके लिए इस्लाम ने एक ऑप्शन रखा, एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये निकाला कि दोनों सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि सहमति के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाएं, लेकिन अगर फिर भी ये रास्ता आगे नहीं चल सकते दोनों मिलकर, तो फिर वो लफ्ज तलाक जो आपने पूछा वो उनके लिए लाया गया कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गांठ को खोल सकते हैं एक दूसरे से जुदा होकर अपनी जिंदगी सहमति से अलग अलग गुजार सकते हैं। असल में ये सही माना में एक मजहबी मुद्दा था जिसे दौरे हाजिर में एक सियासी मुद्दा बना दिया गया, इसीलिए इसमें बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं और बहुत सारी गलत फहमियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये मेरे डिपार्टमेंट की भी ये कमी समझता हूं कि हर कौम हर मजहब और हर मिल्लत के पास अपने अपने कायदीन अपने अपने जिम्मेदारान हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कमी समझ लीजिए जिसकी वजह से इसे पूरे तौर पर सही सामने ना रखा जा सके। ये मुफ्ती साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रिपल तलाक के जैसे तीन फॉर्म बताए जाते हैं, जैसे में कहा है तलाक बिद्दत कहा जाता है, तलाक हसना कहा जाता है, और तलाक अहसन कहा जाता है, तो ये तीन जो फॉर्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। असल में मसला तो यहीं पर आकर खराबी पैदा करता है कि इस्लाम ने जो हमें तरीका बताया तलाक देने का, कि एक मर्द औरत को अगर तलाक देना चाहता है और वो लेना चाहती है तो किस तरह से दिया जाए, उसे अगर इस्लामी इस्तेलाह में बोला जाए तो उसे तोहर बोला जाता है और उसे पीरियड भी बोला जाता है, महवारी भी बोला जाता है, उसमें एक मर्द औरत को तलाक दे ये सुन्नत और बेहतर तरीका है, और उसमें फायदा ये होगा कि एक तौहर में तलाक देगा, उसके बाद कुछ जमाना गुजरेगा तो उसे सोचने का मौका मिलेगा, मर्द को भी औरत को भी, मियां को भी बीवी को भी कुछ ठंडे दिमाग से कुछ टाइम के लिए सोचने का मौका मिलेगा, तो हो सकता है एक तलाक के बाद मामला रुक जाए, और फिर उसके बाद अगर नहीं मामला समझ में आता है तो फिर दूसरे तौर में दूसरी पाकी में दूसरे पीरियड में दूसरी महावारी के बाद जो है वो फिर
दूसरी तलाक देगा, इस तरह से प्रोसेस आगे चलता जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि एक शख्स को आप गाड़ी पर उस वक्त बिठाते हैं जब उसके पास लाइसेंस हो, जब वो गाड़ी चलानी जानता हो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ, और इस्लाम ने हालांकि पहले ये बताया है कि जो बंदा जिस शोबे में जाए उसके पास उस चीज का इल्म होना जरूरी है, फर्ज है, फर्जे ऐन कहा गया। अब जो बंदा निकाह करने जा रहा है उसे कम अज कम इतना इल्म होना चाहिए कि कल जाकर अगर मेरे साथ तलाक के मामलात पेश आते हैं तो मुझे किस किस तरीके से इस्लामिक और सुन्नत तरीके से इस चीज को अपनाना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब होता क्या है कि एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में वो गुस्से में आकर तीनों तलाके दे गुजरता है। अब ये इसे शरीयत के खिलाफ मानते हैं ना, इसे शरीयत के खिलाफ मानते हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि उसकी मिसाल यूं समझिए कि एक बंदा पानी पीना चाहता है, इस्लाम ने उसका तरीका बताया है कि वो सीधे हाथ में गिलास ले, उस पानी को देखे, फिर उसके बाद तीन टाइम में, तीन सांसों में उस पानी को पिए। अब वो बंदा ऐसा नहीं करता है, वो पानी को सीधा उल्टे हाथ से उठाता है, नहीं देखता है, तीन सांस में नहीं खड़ा, एक ही सांस में पी जाता है। अब उसने खिलाफ सुन्नत पिया है पानी, तो क्या आप ये कहेंगे कि उसने पानी नहीं पिया? पानी तो पिया है उसने, उसकी प्यास भी बुझी है, लेकिन खिलाफ सुन्नत। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई एक ही मजलिस में तीन तलाके देता है, खिलाफ सुन्नत देता है, अहसन नहीं देता है, वो तलाके बिदा देता है, लेकिन तलाक वाकई हो जाएगी, अहले सुन्नत वल जमात और जो अहनाफ हैं उनका ये मसलक है और ये तरीका है कि तलाक हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी शख्स ने आकर ऐसा कहा कि फला शख्स ने एक ही मजलिस में तीन तलाक दे दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गजबनाक गुस्से हुए और खड़े हो गए गुस्से में। सहाबा ने ये बयान किया कि हमें महसूस हुआ कि सरकार के चेहरे से गुस्सा झलक रहा था, बैठ नहीं पाया गुस्से की वजह से, और आपने फरमाया कि मेरी मौजूदगी में कुरान के साथ खिलवाड़ करते हो। तो अल्लाह के रसूल का गुस्सा इस बात पर था कि तलाक जो है वो वाकया हो चुकी है, तुमने गलत किया है, ना कि इस बात पर था कि तलाक हुई ही नहीं है, अगर तलाक हुई ना होती तो गुस्सा नहीं आता। आप फरमाते खामोशी से कि उसने गलत किया, तलाक तो वाकया हुई नहीं, गुस्सा इसी बात पर किया कि उसने गलत किया और ये हो गया मामला, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ। चलिए, अभी एक सवाल उठ के आया है कि शरीयत में तो बिल्कुल ही ट्रिपल तलाक का जो बकायदा प्रक्रिया है, एक सुधरने का मौका, जो हमारा भारतीय कानून भी यही कहता है कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए ये है कि भाई कम से कम आप एक प्रक्रिया है, छह महीने, जैसे अभी आपने कानून में है, हिंदू एक्ट में, जो भी हिंदू विवाह एक्ट में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर तो ठीक है गुस्से में तीन बार कह दिया और बस संबंध विच्छेद, एक मजाक हो गया ट्रिपल तलाक का जो है। अब सवाल ये उभर के सामने, जैसे अभी मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि अगर हम शरीयत की बात करें तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम धार्मिक हैं या फिर गैर धार्मिक हैं। अगर हम धार्मिक हैं तो शरीयत को पालन करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग आमतौर पर सभी धर्म के साथ यही हो रहा है कि हम हर विधि को, हर कानून को अपने अपने हित में परिभाषित करते और हम ऊपर वाले के साथ ही मजाक कर देते हैं। कई बार मोहम्मद पैगम्बर साहब बहुत बड़े समाज सुधारक थे, अभी जैसा आपने फरमाया जो उनको भी गुस्सा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया, हो रहा है, तरीके से हो रहा है। अब सवाल यह है कि जब कुरान शरीफ में इस तरह का प्रावधान नहीं है ट्रिपल तलाक का, जो तरीका अपनाया जा रहा है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको कैसे शामिल कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया कि इस्लाम का कुरान पाक एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू को छुआ गया है, मतलब जन्म से लेकर मरण तक उसमें दैवीय कथन है। और इस्लाम के अनुयायियों का मानना यह है कि जिस तरह हमारे यहां दुनियावी कानून है वो खुदाई कानून है। अब आपने बात की ट्रिपल तलाक की, आपका एक सवाल था मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब ने बताया भी कि तलाक की तीन तरह हैं, तलाक तलाकुल हसन, आहसन और तलाकुल बिदत। ये जो ट्रिपल तलाक है ये तलाकुल बिदत है। कुरान और हदीस में इस तलाक को सबसे बुरा माना गया है।
लेकिन इसे ये अमान्य करार नहीं दिया गया है। दिक्कत यही खड़ी होती है कि इसे मान्यता तो है, लेकिन सबसे बुरी जो प्रथा है वो ये है। तलाकुल बिदत के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था हदीस में कि इसको इस तरह माना गया है कि तुम किसी आदमी का कत्ल कर रहे हो, और तलाक की जो व्यवस्था है कानून में, शरई कानून में, शरीयत के मुताबिक तलाक एक ही तरीका ये नहीं है। तलाक के बहुत से तरीके हैं, जिसमें खुला भी है, मुबारक भी है, लियन भी है, जहर भी है, मतलब उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन उन सब का पालन नहीं हो रहा। और दूसरी बात, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि जितनी भयावह रूप में इसको प्रकट किया जा रहा है, कसाबे की बैठक में फड़ांग से दे दिया, ऐसा आम तौर पर सवाल जो चर्चा जो बार बार जो खबरें आ रही है, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। क्या मोबाइल पे लिख के दे मैं तो वही मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। कैसे चलेगा फिर? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा कोई एक आधा केस होता है जिसको हाईलाइट कर दिया जाता है। अब तो खूब सारे मामले। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। मैंने शुरू बात अपनी शुरू कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है और मीडिया समाज का दर्पण है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि मीडिया सिर्फ वो चीज दिखाता है जो उसे अच्छी लगती है, वो चीज नहीं लिखाता जो वास्तव में अच्छी है। आपको ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे कि तलाक को तीन हैज में दिया गया हो और उस इद्दत के दौरान दोनों में वापसी परस्पर सहमति से सहवास किया हो, साथ साथ रह रहे हो, और ऐसे उदाहरण में आपको हनुमानगढ़ में दे पाऊं, मेरे अपने इलाके में नवा में हनुमानगढ़ में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। मतलब एक बार में तलाक दिया और अगले तोहर में उन्होंने इद्दत, विद इन इद्दत पीरियड, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता है। समस्या ये है कि किसी भी काम की भयावहता को कितना आपने दिखाना है, ये तो आपके और हमारे बस में नहीं। आप तो दिखा सकते हैं क्योंकि कंट्रोल आपके पास, नियंत्रण आपके पास है, तो मीडिया ने इसको इतना भयानक रूप दे दिया कि साहब मोबाइल पे दे दिया, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, कितने होते हैं ऐसे? संख्या बड़ी है, तभी तो आप जैसे अभी चर्चा आई कि यूपी चुनाव में मुस्लिम समाज की काफी तादाद महिलाओं ने एक पार्टी को समर्थन इस मुद्दे पे, जिस पार्टी ने उसको उठाया, ये किसने देखा? ये तो क्लियर, ये किसने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने दिया या मुस्लिम पुरुषों ने दिया? देखा किसी ने? कयास है, लेकिन एक धारणा बना दी गई, एक जो मीडिया ने एक धारणा पैदा कर दी गई कि सब महिलाओं ने वोट दे दिए। मेरा कहना ये कि महिलाओं के बजाय पुरुषों ने दिए वोट, इसको चुनौती कैसे देंगे? काफी समय से चुप है, आप बताइए जाकिर हुसैन साहब, कि सवाल वही आकर, और यही सवाल आपसे भी है कि शरीयत के नाम पर लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और उसको खुद मुस्लिम संस्थाएं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भी उसको मान्यता दे रहा है, आखिर विरोधाभास क्यों है दोनों में? या तो आप शरीयत को मानिए या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानिए। मुफ्ती साहब की बात को और आदरणीय माननीय की बात को आगे बढ़ाते ये कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक को अमान्य नहीं किया। ट्रिपल तलाक जो है अपने विधि के अनुसार, मुस्लिम विधि जो भारत में एप्लीकेबल है इस समय वर्तमान में, उसमें उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि शून्य और शून्य करणीय, एक चीज होती है शून्य, एक चीज होती है शून्य करणीय। शून्य है वो वॉइड है, वो हो ही नहीं सकती दोबारा, और शून्य करणीय है उसमें गुंजाइश रहती है हर चीज में कि उसको आप दोबारा उसी स्थिति में ला सकते हो। मैं बात करूंगा दो चीज बात सामने, प्रैक्टिकल और अकादमिक। व्यवहार में भारत की संस्कृति का प्रभाव इस्लाम के अनुयायियों पर है, स्वाभाविक है। कैसे? यहाँ की जो शादियों के प्रचलन देख लीजिए आप, हिंदू धर्म की शादी और मुस्लिम धर्म की शादी में निकाह के अलावा लगभग सेम कस्टम्स है, ठीक है? तो संस्कृति एक जैसी, अब दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसमें भी कहीं वो नहीं है दोरा। देश की डिमांड को लेकर झगड़ा हो सकता है, सास नरंद को लेकर झगड़ा हो सकता है, शोहर की कमाई को लेकर झगड़ा हो सकता है, ये उधर दहेज है, इधर मेहर है, बात तो बराबर ही है। मेहर का मैं कह रहा हूं, मेहर, नो, मैं एक मिनट, मेहर शब्द को लेके मुस्लिम समाज के 95% लोगों को ये पता नहीं है कि मेहर क्या होती है, क्या अदायगी और क्या अदायगी करनी है, कहीं नहीं है। व्यवहारिक समस्या ये है यहाँ पे कि जिस तरीके से हमारे मुआसरे में अन्य धर्म, सिख, ईसाई, हिंदू, जिस तरीके से समाज में अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, वैसे ही मुस्लिम निर्वाह करते हैं,
और वही झगड़े मुस्लिम समाज में, वही झगड़े हिंदू समाज में। वो है तो इंसान ही, ये तो धर्म का स्वरूप। मैं गोपाल इस बात को मैं एक बात और बढ़ाना चाह रहा था वकील साहब, मेरा सवाल फिर भी रह गया। नहीं नहीं, मैं उस तरफ आऊंगा। मैं वकील साहब ने एक बात कही, दहेज और मेहर, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कानून, मुस्लिम शरीयत में दहेज नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। लेकिन लेन देन तो चलता ही है। हाँ, ये कानून के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता। यही भी इसकी कोई चर्चा नहीं करता। और ये आज से 20 वर्ष पहले जाए, सिर्फ 20 वर्ष पहले, क्योंकि पहले लड़कियों की संख्या कम थी, होता ये था, और मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि पहले तय किया जाता था कि साहब इतने आप लड़के वाला इतना तो सोना देगा, इतना ये चीज देगा, इतना वो देगा, एक तरह से मेहर को। चलिए हम तो बहस से भटक रहे हैं। पहले चलिए आप ये बता दीजिए कि शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों में कितना अंतर है, पर्सनल तलाक को लेकर सिर्फ। हाँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल लॉ जो का जो कंसेप्ट लिया गया है वो कुरान और हदीस से ही लिया गया है। पर्सनल लॉ का कंसेप्ट कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। जहां तक सिया और सुन्नी दोनों फिरके पर्सनल लॉ में है, सिया के अंदर ट्रिपल तलाक मान्य नहीं है, और तलाक का तरीका भी अलग है। उसकी दो गवाहों की उपस्थिति में सिया जो है वो तलाक देगा, और सुन्नी में ये नहीं है कि उसके समय गवाह हो। अब दूसरी बात ये है, बस ये दिक्कत आ गई, ये यहाँ पे गवाह की जो है ना मौजूदगी, गवाह की मौजूदगी नहीं है, छूट दे दी तो अगला ये छूट दे दी। लेकिन मैं व्यवहारिक पक्ष पर फिर आ रहा हूँ कि जब सुन्नी फिरके का व्यक्ति इस्लाम में जब महिला को तलाक देता है तो उससे पहले साल दो साल की उसमें नाराजगी मौजूद रहती है, और ये मैंने प्रत्यक्ष और प्रमाण के रूप में कोर्ट्स में देखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 5,000 से ज्यादा तलाक के मुकदमे हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी विचाराधीन है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और राजस्थान लेवल पे इससे ज्यादा है। 13A यानी तलाक जिसमें दोनों की सहमति नहीं है, 13B जिसमें दोनों की सहमति है, और जिसमें दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, पत्नी अगर हिंदू पत्नी चली गई है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल होता है, लड़का लगा सकता है, मुस्लिम लॉ में नहीं है। मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया, मैंने इसलिए उठाया कि मुस्लिम कानून के अंदर किसी पत्नी को आप जोर जबरदस्ती अपने निकाह के अंदर नहीं रख सकते। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए लड़का ये दबाव नहीं डाल सकता, हिंदू लॉ में ये लड़का दबाव डाल सकता है और डिग्री ले सकता है कि कोर्ट से कि मेरी पत्नी को मेरे पास भेजा जाए, जबकि मुस्लिम लॉ में ये है कि वो पत्नी अगर चाहे तो ही उसको पति रख सकता है, वरना नहीं। दूसरा ऑप्शन खुला, पत्नी खुला ले सकती है, और भारतीय संविधान ने 1949 में, संविधान लागू होने से पहले 1939 में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम बनाया था, जिसमें अगर 7 प्रकार के तरीके हैं एक पत्नी को तलाक लेने के, उसका पति 7 साल से कहीं गया हो, उसको सजा हो गई हो, वो धर्म से विरक्त हो गया हो, उस वो किसी अन्य अनैतिक कार्यों में विलुप्त हो गया हो, इस तरीके से वो मुस्लिम पत्नी अपने पति से अलग हो सकती है। ये पत्नी को अधिकार है, निकाह के समय वो अलग हो अपनी कबूलियत देने से पहले इनकार कर सकती है। तो मुस्लिम महिला को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक हिंदू महिला को हैं, उससे बढ़कर हैं, उससे इतर हैं। लेकिन समस्या क्या है कि एजुकेशन नहीं होने के कारण अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म तक रख नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए मुस्ताक जी से सवाल, सीधा सवाल यह है कि क्या तलाक के नाम पर महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं क्या? देखिए गोपाल जी, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है, आप वही तो हम सुलझाना चाहते हैं। मेरी राय में महिला उत्पीड़न असल में तलाक उसका निवारण नहीं है, या उसका कोई कारण नहीं है। बिल्कुल कारण नहीं है। महिला उत्पीड़न ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती हैं, लालसाएं बढ़ती हैं, और उन लालसाओं के पूरा होने में जब कमी आती है तो टकराव होता है, और वो किसी धर्म विशेष का वो मुद्दा नहीं, रूप नहीं है। बिल्कुल। अब यहां मेरा मानना यह है कि ये ट्रिपल तलाक का जो मामला है, चूंकि इसे धर्म में अमान्य नहीं किया गया है, और एक तरह से एक और व्यवस्था जिसके बाद जिसका और चित्रण किया जाता है, हलाला जिसे आप कहेंगे, एक तरह से अंकुश रखने के लिए लागू किया गया था। अब उसकी इच्छा तो ये थी कि अभी तलाक देने से पहले तलाक देने वाले के दिमाग पर ये भय रहे कि
कि मैं दोबारा इसे अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि उसका चित्रण इस रूप में किया जा रहा है कैसा, अब अगर वो इच्छा साथ रहना चाहती है तो हलाला जरूरी है। मेरा मानना ये है कि उत्पीड़न महिला का या पुरुष का ये एक सामाजिक विरक्ति है, सामाजिक बुराई कह सकते हैं आप। इसमें किसी धर्म का कोई लेना देना ना शरीयत का लेना देना है। हाँ, एक एक हथियार, एक अच्छी चीज अगर उसे धर्म के मुताबिक माना जाए तो वो अच्छी चीज थी, लेकिन उस अच्छाई से हटकर समाज का जो ये एक खास वर्ग मुस्लिम समाज का बुराई की ओर बढ़ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, बाकी मुफ्ती साहब बैठे हैं, धर्म के मामले में। और फिर एक चीज और भी आती है कि धार्मिक कानून असल में तो वहां लागू होते हैं जहां धार्मिक अदालतें हैं। हमारे यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज इस कानून की व्याख्या में लगा हुआ है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि उस लेवल पे करेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब जैसे बात कर रहे हैं कि शरीयत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हम कर रहे हैं, दोनों में काफी अंतर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि शरीयत जिसको नहीं मानता भी मान्य है, लेकिन उसकी जो उसका दुरुपयोग है उस पर भी चर्चा हो रही, दुरुपयोग हो रहा है इसीलिए आज चर्चा हो रही। सवाल ये है कि जब दूसरे जो इस्लामिक देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरब, चूंकि सऊदी अरब से इस्लामिक जो एक शुरुआत हुई सारी, वहां जब ये अवैध माना गया इस ट्रिपल तलाक को, तो हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक को वैधता क्यों मिली हुई? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने हवाले दिए, मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि आप उन ममालिक को छोड़ दीजिए, इस्लाम मजहब में कोई जगह खास नहीं है, कोई मुल्क खास नहीं है। इस्लाम ने जो कानून हमें कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से, इज्मा के जरिए से, कयास के जरिए से दिया है, पूरी दुनिया के लिए है वो, हम उसको हर मुसलमान के लिए है वो तस्लीम करेंगे। ना हमारे लिए सऊदीया दलील है, ना हमारे लिए पाकिस्तान दलील है, ना कोई और मुल्क दलील है। लेकिन वो तो रहा है ना, प्रभावित तो कर रहे हैं, फिर आप ही लोग वहां, कर रहे हैं। वहां आप कहना ये चाहते हैं कि ये बैन है ट्रिपल तलाक, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज करना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक की दो तीन पहले जो मैंने मिसालें दी आपको, वो गलत जरूर है। हदीस में भी उसको बुरा कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा चीज अगर कोई पैदा की गई तो वो गुलाम को आजाद करना। पहले जमाने में लोग बंदी बना लेते थे लोगों को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा चीज अगर दुनिया में कोई पैदा की गई तो वो ये है कि गुलाम को आजाद कर दो। और दूसरी चीज फरमाई कि सबसे नापसंदीदा चीज अगर दुनिया में कोई पैदा की गई है तो वो तलाक। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गलत है, उसे अल्लाह के रसूल ने भी गलत कहा, अल्लाह के कलाम ने भी उसे गलत कहा, इजमा में भी उसे गलत कहा गया। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कानून बना सकते जिसके जरिए से आप ये कहें कि ट्रिपल तलाक एक बैठक की जो है वो हो ही नहीं सकती, मानी ही नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें सुधार इस तरह से हो सकता है कि हम लोग जो निकाह पढ़ाते हैं या हमारे समाज के जिम्मेदार। पहले सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं, आपने ये बात कही कि सही बात है आपकी, जो कानून जो मतलब अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म सऊदी अरब के लिए अलग नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन सवाल इसलिए आता है कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सारे विद्वान लोग हैं जो धर्म की भी व्याख्या करते हैं, क्योंकि धर्म की व्याख्या कानून नहीं करता, धार्मिक गुरु करते हैं, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों। लेकिन जब वो इसे बुराई मानकर उस पर बैन लगा देते हैं, तो हिंदुस्तान में ऐसी क्या स्थिति है कि यहाँ पर आप इसको, इस भार को हम ढो रहे हैं हम लोग, और इस तरह की चर्चा हो रही है, विवाद बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, मुसलमान समाज में। सवाल ये है कि वहां पर जब बैन है तो यहाँ पर बैन क्यों नहीं है? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि सऊदीया में जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी दलीलें हैं,
अहले सुन्नत वल जमात की अपनी दलीलें हैं, ठीक है, उन दलाइल पर अगर आप बात करेंगे तो मैंने जो हवाले कोट किए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा गुस्सा फरमाया और उसके बाद ये नहीं फरमाया कि ट्रिपल तलाक नहीं हुई, इस तरह के बहुत सारे ऐसे हवाले भरे पड़े हैं किताबों में कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ट्रिपल तलाक लोगों ने दी और उसको माना गया, तो मैं ये कैसे मान लूं कि पाकिस्तान में बैन है तो मेरे मुल्क में बैन हो जाए, मैं बैन कर दूं उसे? लेकिन जब उसके लिए के रूप में सामने आ रही है सामाजिक बुराई अगर है तो उसके लिए हमें करना ये चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो समाज के धार्मिक गुरु हैं उन्हें ये चाहिए कि वो आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, नौजवान पीढ़ी को इसका सबक दें, पढ़ाएं, बताएं, इसी के जरिए से कर नहीं रहे, वो तो बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, वो किसी हद तक कमी है लेकिन उस कमी को दूर किया जाए, ना कि मतलब ट्रिपल तलाक ही को बैन कर दिया जाए। नाक पर अगर मक्खी बैठेगी तो नाक नहीं काटा जाएगा, मक्खी उड़ाई जाएगी। चलिए जाकिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल मेरा वही है, जवाब सवाल आपका वही है, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर भी मेरा वही है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की, चार मुल्कों में ट्रिपल तलाक बैन है, ये सत्य है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में क्यों नहीं? वहां पे शरिया अदालत है, उस अदालत के अंदर अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहे या कोई लड़की तलाक लेना चाहे तो उसके अंदर आप एप्लीकेशन देंगे, आपका जिस प्रकार का वहां का कानून है उस कानून के तहत वहां पे जाएंगे, जाने के बाद में वही प्रक्रिया, तीन तलाक बैन देना बैन है, तीन तलाक खत्म नहीं किया गया, वहां एक बैठक में खत्म हो सकता है लेकिन वहां प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वहां तलाक होता है। तलाक को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, कर सकता। ये माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तलाक का ही नहीं, वो तो हिंदू में सब में है। मैं ये कर रहा हूं, अगर मान लो दोनों पति पत्नी में अगर मान लो सामंजस्य नहीं बैठ पाए तो लास्ट में क्या करेगा? कलर थोड़ी घर में कलर ही रखेगा कोई परिवार में, उसका वो एक बैठ के इसका निराकरण, ठीक है अपनी राय जुदा जुदा है कोई बात नहीं। मैं मुफ्ती साहब से इस बात में इत्तेफाक नहीं रखता कि भी मान्य या अमान्य बात पर, मान्य है, अमान्य चीज को मान्य किया गया, लेकिन सऊदी अरब की जो बात है वहां पे जो इस समय कानून नाफिज किया गया है वो जो मुफ्ती साहब जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं वो मसलक वहां इस समय नहीं है, इसलिए इनका डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वहां अहले हदीस इस समय उसमें है, निजामत में है, लेकिन इस्लाम का कानून तो एक ही है, वो पूरी दुनिया पे लागू है और उसके अंदर प्रक्रिया वही है, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाने के बाद में वहां पे दोनों पक्षों को सुनेंगे, वो वहां पे प्रक्रिया है। और मैं इस बात को कई बार महसूस कर चुका हूं कि व्यवहार में हमारी कोर्ट के अंदर मेरे रहते हुए 17-18 साल बॉस के रहते हुए 40 साल हो गए होंगे, मुस्लिम महिलाओं द्वारा तलाक की प्रक्रिया अपनाने के लिए जोर ज्यादा दिया जाता है लड़के की बनिस्बत। अभी मेरे सामने रिसेंट मैंने 2 या 3 केस लड़कियों की तरफ से तलाक के लगाए हैं और मौजूदा कानून में मुस्लिम विधि के अंदर लड़का तलाक के लिए कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है, लड़की भी खटखटा सकती है, इसके अंदर बाकायदा चैप्टर भी बने हुए हैं और रूल्स भी बने हुए हैं। गंगानगर में मेरा विचाराधीन मामला बसाने का, यहाँ पे तलाक का पेंडिंग है, 2 ऑलरेडी लड़कियों की तरफ से मैं तलाक पेश कर चुका हूँ और दोनों में तलाक हो चुका है, तो व्यवहार में सब कुछ हो रहा है, व्यवहार में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीज सामने उभर के आ रही है जो अपवाद है, जो 100 में 5 है उनकी बातों को आगे लिया जा रहा है और 100 में भी जो 95 है उसकी बातों को पीछे लिया जा रहा है। चलिए हम बात में लास्ट बहुत ज्यादा बहस हुई है और मुश्ताक जी से जानना चाहेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रहा है, बेंच है और बेंच में अलग अलग धर्म के जो माननीय जज है वो शामिल है और बड़े तरीके से सुनवाई कर रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब वो हासिल करना चाहते हैं ताकि वो फैसले तक पहुंच सके। अब सवाल ये है कि मुस्लिम समाज को क्या लगता है कि मतलब किस तरह की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो आने वाला है, आज नहीं तो कल फैसला आएगा ही, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं? हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अब इतने बड़े लोग बैठे हैं, इतने विद्वान अधिवक्ता उनके सामने दलीलें रख रहे हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। और इस समस्या की जो भयावहता हमारे सामने आ रही है इसका कोई ना कोई निराकरण निकलेगा। इस मामले में मेरा एक मानना, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह भी था कि जैसा अभी चर्चा चली कि साहब तुर्की में, सऊदी अरब में और बाकी जगह पे बैन है, क्योंकि वहां तुर्की में तो शायद धर्म सेकुलर शासन है और बाकी जगह मुस्लिम शासन है, और तुर्की भी अब बढ़ रहा है उसी ओर,
मुस्लिम समाज की ओर, मुस्लिम कानून लागू करने की ओर, मुस्लिम कंट्री बनने की ओर। मेरा मानना यह है कि जैसा मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, एक तो समाज में अवेयरनेस आए और दूसरा कानून की व्याख्या के लिए, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना समय दिया है और इसमें हर मुद्दे पे, हर पहलू पे सोच रहे हैं, जैसे कल परसों मीडिया में था, अब सारी बातें हमारे सामने नहीं आती, कुछ चुनिंदा बातें आती हैं। जैसे एक सवाल था कि साहब अगर तलाक समाप्त कर दिया जाए तो मुस्लिम मर्द क्या करेंगे, इस तरह के सवाल हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी आएगा अच्छा आएगा और कुछ ना कुछ ऐसा निदान लाएगा जो आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब बनकर आम जनता में उभरे। चलिए जाकिर साहब, आप क्या करें, संक्षेप में बिल्कुल बताएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न है आज, उसकी क्वेरी उन्होंने ये की है कि क्या एक तो तलाक समाप्त कर दिया जाए, दूसरा ये है कि तलाक समाप्त कर दिया तो उसका विकल्प क्या होगा, विकल्प तो करना ही पड़ेगा। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि आज नहीं, इस हियरिंग से पहले कहा है कि मुस्लिम लॉ गिवन बाय गॉड नॉट बाय मेकिंग बाय मैन, कि मुस्लिम जो कानून है वो देवी शक्ति का दिया हुआ है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ। तो फर्स्ट हियरिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जेएस खेर ने यह कहा है कि यदि कुरान के अंदर तलाक की व्याख्या है तो तलाक समाप्त नहीं किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। वो आप अधिवक्तागण सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल साहब, मुकुल रोहतगी साहब के सामने ये बात रख दी गई है कि आप उन विषयों पर हमें बताइए कि तलाक समाप्त करके न किया जाए बल्कि कोडिफाइड कैसे किया जाए। मुस्लिम लाके उस प्रक्रिया में सुधार, तीन चार चीजें हैं, मुस्लिम तलाक, मुस्लिम प्रॉपर्टी, ये डिफरेंस है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में। 2005 में तक हिंदू लॉ में किसी को, महिला को अधिकार नहीं था संपत्ति में, ये भी मुस्लिम लॉ से लिया गया है। तलाक नहीं था, ये भी मुस्लिम लॉ से लिया गया है। तो क्या अच्छी चीजों को मुस्लिम हिंदू विधि में ग्रहण किया गया है और जो अच्छी चीज हिंदू विधि की है वो मुस्लिम लॉ की प्रक्रिया में ले ली जाए, तो इसको प्रक्रियात्मक कर दिया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट का मेरा मानना है कि विद्वान जजों द्वारा, विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर यह निर्णय आएगा कि इसको प्रक्रियात्मक रूप दे दिया जाए ताकि किसी को बिना सुने कोई अवसर, बिना अवसर दिए उसको दंडित न किया जा सके। ये मुफ्ती साहब, लास्ट में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा रास्ता है कि आप लोगों के पास जिसमें शरीयत की बात तो सर्वोपरि है, उसको तो आप नकार ही नहीं सकते, जो कुरान शरीफ में लिखा है उसको कोई नकार नहीं सकता, अगर किसी गीता में लिखा है तो, मतलब चूंकि ये है कि जो धार्मिक जो ग्रंथ जो भी हैं उनमें लिखी बातों को हम नकार नहीं सकते, हम उनके बेस पे ही तो हम लोग चलते हैं धर्म के नाम। सवाल है कि कानून को भी हम झुठला नहीं सकते, कानून चूंकि हमें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार करता है, कानून से ऊपर हम भी नहीं जा सकते। तो क्या दोनों बातें रह जाए तो बीच का कोई रास्ता है क्या ट्रिपल तलाक के मामले में, जिस तरह से दुरुपयोग रूप से इसका, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद न हो। सवाल इसलिए उठ रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, ट्रिपल तलाक, एक साथ तीन तलाक करके हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, तो सुधार के लिए क्या बीच का रास्ता हो सकता है आपके हिसाब से? मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले तो हम अपने हिंदुस्तानी कानून से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा रास्ता निकलेगा। जो बात आपने कही उसके लिए ये हो सकता है कि अगर ट्रिपल तलाक कोई एक ही बैठक में देता है तो उसके लिए कोई ऐसी सज़ा मुकर्रर कर दी जाए मर्द के लिए कि जिससे वो तलाक देने से पहले कुछ गौर करे, कुछ सोचे, कुछ मजाक नहीं बन जाए, मजाक नहीं बन जाए। वैसे तो इस्लाम ने दिया है ये तरीका, थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमारे घर की बहू बेटी हमारी किसी वक्त में और आज भी संजीदा आदमियों के लिए गैरत, इज्जत और सब कुछ था, लेकिन जो साहब ने फरमाया कि हलाला सिस्टम इसीलिए रखा गया था, जिसको आज बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत फहमियां पैदा की जाती हैं, कि वो हलाले का सिस्टम आपके सामने होगा तो आप तलाक देने से पहले सोचेंगे कि मैं एक ही बैठक में अगर इसको तीन तलाकें देता हूं तो फिर इसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और मेरी अहलिया, मेरी बीवी और मेरी जौजा जो है वो इस प्रोसेस से गुजरेगी, उसकी गैरत को ये गवारा नहीं होता। तो इसलिए ये सख्त कानून था इस्लाम की तरफ से, लेकिन हालात बदल रहे हैं, अब वो चीजें कमजोर होती जा रही हैं समय के साथ, तो समय के हिसाब से तो अब उसके लिए एक चीज और ऐड की जा सकती है कि शौहर अगर एक ही मजलिस में अपनी बीवी को तीन तलाक देता है तो उसके लिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे शौहर थोड़ा गौर करे, समझे, सोचे, उसके लिए कोई
माली जुर्माना दिया जाए, उसको कुछ सजा दे दी जाए जिससे वो थोड़ा गौर करे। मेरी तरफ से एक मॉडल, एक मॉडल निकाह नामा इसका जवाब हो सकता है, जिसमें ये कंडीशंस इम्पोज्ड हों कि इस तलाकुल विदई से बचे, और अगर इसका इसको उसको प्रयोग में लाए तो जैसे आर्थिक दंड है या कोई और किसी भी तरह से उस पर मानसिक दबाव हो कि इससे एक ही बैठक में तीन तलाक से बचे, क्योंकि कुरान में भी इसको बुरा माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। तलाक देने का सबसे बढ़िया तरीका वही कि लगातार तीन पीरियड्स में तलाक दिया जाए, तो इसका एक सर्वोत्कृष्ट जहां तक मेरा मानना है इलाज ये निकल सकता है कि मॉडल निकाह नामा मुस्लिम फैसला बोर्ड ने एक निकाह नामा शायद जारी किया भी था, मैं देख नहीं पाया उसको, और उसमें ऐसी व्यवस्थाएं थी या नहीं थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जैसे मुफ्ती साहब का सुझाव था कि उसमें कोई भारी अर्थदंड का हो या निकाह में मेहर की जो व्यवस्था है मुअज्जल जो रखी जाती है, तलाक के समय एक मासिक खर्च इस तरह देने की व्यवस्था जोड़ दी जाए, इससे बचा जा सकता। राजस्थान में हो चुका है। कुल मिलाकर यह है कि ट्रिपल तलाक और उस पर सुलग रहे कई तरह के सवाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई के तहत कोई रास्ता निकालने की फिराक में है। आमतौर पर हमने देखा है तो बहस आमतौर पर जो होती है ट्रिपल तलाक को लेकर, उसमें यूं ही लगता है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो या किसी भी धर्म के लोग हों, है तो इंसान ही। कई बार हम कहते हैं हिंदुओं के लिए एक बात आती है कि राम को सभी मानते हैं, लेकिन राम की मानने में लोगों को दिक्कत होती है, जैसे रामायण को सभी मानते हैं लेकिन रामायण में जो आदर्श की बात कही है उसको मानने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से कि इस्लामिक जो लोग हैं उनके साथ भी ये समस्या है कि शरीयत को सभी मानते हैं लेकिन शरीयत की जो अच्छी बातें हैं उसको निगलने में थोड़ा वक्त लगता है, और वो अपने हिसाब से उसको समझौता भी करते हैं, और वही पर तभी जब के इस तरह के सवाल भी उठते हैं। ट्रिपल तलाक बहुत गलत चीज है, तलाक का एक उल्लेख, और पहले भी कुछ जो इमाम लोग उनसे हमने बात की उन्होंने यही कहा था कि बकायदा तीन प्रोसेस है, एक वक्त दिया जाता है, ये नहीं कि एक ही बार में आप तीन तलाक करके संबंध विच्छेद कर देंगे, शरीयत इस तरह का आदेश नहीं देता, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, शरीयत के लोग जो बड़े बड़े विद्वान हैं मुस्लिम समाज के वो भी चर्चा कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी जो रुख है वो सबके सामने है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो विवाद है जिस विवाद की वजह से दो परिवारों में जो एक टूटन भरी जिंदगी शुरू होती है वो खत्म होगी और दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत ही बेहतर होगा। आप सब आए, बहुत अच्छी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।